हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आगे हम लोग और एक नया वीडियो लेके सो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए एक अच्छा रिकमेंड का लेके आया दोस्तों, जो कि स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल का हिसाब से देखा जाए तो फार्मासिस्ट टेक्नीशियन ऑल जो लैब टेक्नीशियन है उन लोग के लिए एक अच्छा वैकेंसी निकल कर आया। सो यहाँ पर दोस्तों साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिट तरफ से दोस्तों ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया। सो इसमें आप लोग को स्टाफ नर्स के लिए क्या वैकेंसी रहेगा पूरा प्रोसेस हम आपको पूरा जानकारी देगा इस वीडियो में। सो अभी हम जो ऑफिशियल वेबसाइट में इसमें है, आप लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप लोग चेक कर सकता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए आप लोग जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें हम ऑफिशियल जो पीडीएफ लेके आए दोस्तों स्टाफ नर्स के लिए, उसका जो पीडीएफ लिंक हम आपको पूरा जानकारी देगा। सो चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सो जितना भी कैंडिडेट ये पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहता है पूरा लास्ट तक देखिए दोस्तों, फिर आपको पता चलेगा कैसे अप्लाई करना है, कब लास्ट तक है। ये पोस्ट है दोस्तों परमानेंट पोस्ट है, ये कोल फील्ड की तरफ से दोस्तों एक अच्छा वैकेंसी निकल गया है दोस्तों स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट वाले के लिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा वीडियो को देखिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से दोस्तों जो ऑफिशियल जो पीडीएफ लेकर आया, इसमें दोस्तों देखिए 30/6 को ये ऑफिशियल जारी किया था। इसमें दोस्तों देखिए जो कि फार्मासी स्टाफ नर्स और जितना भी कैंडिडेट है यहाँ पे देखिए हम पूरा माइनिंग सर्वेरिया स्टाफ नर्स फार्मासी टेक्नीशियन और जो JRTC इंजीनियर स्टाफ और TC रेडियोग्राफर और टेक्नीशियन ऑप्टिस्टी में एक अच्छा वैकेंसी निकल गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों, देखा जाएगा तो टोटल जो वैकेंसी के हिसाब से स्टाफ नर्स का देखिए 59 का वैकेंसी निकल गया और फार्मासिस्ट वालों का 10 वैकेंसी निकल आया और SC वालों में दोस्तों जो स्टाफ नर्स है स्टाफ नर्स के लिए दोस्तों देखिए 22 SC स्टाफ नर्स है, ST 10 है और जनरल के लिए दोस्तों 27 है। इसमें बहुत एक अच्छा वैकेंसी है दोस्तों स्टाफ नर्स के लिए, जो लोग आवेदन करना चाहता है दोस्तों इस पोस्ट में आवेदन करिए जल्दी दोस्तों, ऑफिशियल में वेबसाइट में जाकर आप लोग इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। सो दोस्तों यहाँ पे हम छोटा सा और एक बात करके देखिए फार्मासिस्ट का दोस्तों 10 वैकेंसी निकल गए थे, उसमें जो कि SC का 4 है, ST वालों का 1 है और जनरल वालों का दोस्तों 5 लेकर है वैकेंसी। और भी जो कि आप लोग को जो कैसे कैसे ये प्रोसेसिंग होगा दोस्तों इसमें आप लोग को जानकारी दिया जाएगा। इसमें दोस्तों आप लोग को जो कट ऑफ रहेगा दोस्तों 30/6/2022 का जो एलिजिबिलिटी कैंडिडेट होगा उसमें कट ऑफ जो 6/6 मतलब 6 मंथ का जितना भी कट ऑफ रहेगा उसका अनुजाई होगा, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगा यहाँ पे पूरा डिटेल्स में देखा है। स्टाफ नर्स के लिए दोस्तों देखिए 10+ और 1 ग्रेड नर्सिंग डिप्लोमा और सर्टिफिकेट फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन 3 ईयर्स कोर्स अप्रूव बाय गवर्नमेंट। सो आप लोग का जो लोग स्टाफ नर्स है उन लोग के लिए आप लोग 10-12 करके रखा है तो GNM पास करके रखा तो डिप्लोमा इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। फार्मासिस्ट में दोस्तों देखिए मस्ट मेट्रिकुलर हैविंग पास फार्मासिस्ट एग्जाम फॉर इंस्टीट्यूशन। सो जो लोग फार्मासिस्ट पास आउट होकर रखा उन लोग इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, फार्मासी सर्टिफिकेट रहना जरूरी है। से टेक्नीशियन का हिसाब से दोस्तों देखा जाएगा तो डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइजेशन का तरफ से दोस्तों ये पोस्ट जारी किया दोस्तों टेक्नीशियन का, और रेडियोग्राफर डिप्लोमा एक्स टेक्नोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइजेशन बाय गवर्नमेंट। सो आप लोग का XA TC रहना है तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और टेक्नीशियन ऑप्टिस्ट जो दोस्तों आग से कुछ भी रिलेटेड है तो प्रॉब्लम इसमें आप लोग इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे नोटेड करिए एक्सपीरियंस व्हाट एवर एप्लीकेबल शुड बी पेंटेड फॉर आफ्टर एक्सपीरियंस। आप लोग जहाँ पे काम किया उसमें एक्सपीरियंस रहना जरूरी है। एम्प्लॉय फॉर सक्सेसफुल कॉम्प्लिकेशन फॉर 6 मंथ ट्रेनिंग। आप लोग को 6 मंथ ट्रेनिंग का जो एक सर्टिफिकेट है वो रहना जरूरी है। पोस्ट दोस्तों देखिए फार्मासिस्ट टेक्नीशियन पैराटोरिकल और ECG टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर ऑफ टेस्ट में आप लोग को जो एग्ज़ाम होगा इसमें आप लोग को रिटर्न टेस्ट हुआ जाएगा, उसमें 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, जो कि आप लोग को मल्टीपल चॉइस MCQ क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग को चुना जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा इसमें दोस्तों, आप लोग को बहुत एक अच्छा मौका है दोस्तों इस पोस्ट के। सो कैटेगरी में दोस्तों देखिए जनरल कैटेगरी 40% मार्क्स राइटिंग टेस्ट होगा, SC ST में 35% मार्क्स रहेगा। सो इसमें दोस्तों देखिए जो फॉर्म का हिसाब से दोस्तों कब से स्टार्ट हुआ कब खत्म होगा जो अलग अलग क्वालिफिकेशन रहता है दोस्तों उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे देकर रखा है।
और यहाँ पे दोस्तों दोस्तों लास्ट डेट रहेगा दोस्तों, अंतिम जो लास्ट डेट रहता है दोस्तों, देखिए 28/7/2022 में इसका पोस्ट खत्म होने वाला है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप। सो आप लोग जल्दी इस पोस्ट का आवेदन करिए, ठीक है। इसमें आप लोग को पूरा जो एड्रेस और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा पूरा डिटेल्स यहाँ पे दे कर रखा, ये फॉर्म को आप लोग भर के ऑफिशियल वेबसाइट में भेजना है, ठीक है। सो दोस्तों कुछ भी डाउट हो नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताए, हम ज़रूर आप लोग को सहायता करेगा, क्योंकि ये स्टाफ नर्स के लिए बहुत वैकेंसी, अच्छा एक वैकेंसी है दोस्तों। देखा जाएगा तो इस साल ईस्टर्न कोलफील्ड की तरफ से दोस्तों ये परमानेंट पोस्ट का हिसाब से लेकर जाएगा। इस पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन करना चाहते हो जल्दी आवेदन करिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट पोस्ट के लिए आवेदन नहीं कर पा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये जो बिलासपुर से ऑफिशियल वेबसाइट्स में जारी किया है। सो इसमें दोस्तों स्टाफ नर्स के लिए 59 टोटल वैकेंसी निकल का आया। सो आप लोग जल्दी चाहते तो जल्दी इस पोस्ट के लिए आवेदन करिए स्टाफ नर्स ग्रेड 2 के लिए। सैलरी भी दोस्तों अच्छा रहेगा दोस्तों, इसमें फार्मासिस्ट वालों भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, फार्मासिस्ट वालों में बहुत एक अच्छा वैकेंसी है, और ईसीजी टेक्नीशियन वालों को भी और रेडियोग्राफर भी इस पोस्ट के लिए एक्सरे के लिए पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। सो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में आप लोग अप्लाई कर सकता है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताए, हम ज़रूर आप लोग को सहायता करेगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।